दोस्तों बॉलीवुड में एक्शन पर काफ़ी फिल्में बनी हैं, जिनमें ज़्यादातर फाइट में फिल्म का हीरो ही 10 से 15 गुंडों की पिटाई करता है, लेकिन जब असल जिंदगी में लड़ाई होती है तो ज़्यादातर गुंडे ही हीरो पर भारी पड़ते हैं। परंतु सनी देओल ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने असल जिंदगी में भी गुंडों की पिटाई की है। सनी देओल को बॉलीवुड में एक एक्शन अभिनेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी एक्शन फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनकी काफ़ी फिल्में सुपरहिट रही हैं। उनकी फिल्मों में उनकी आवाज़ सुन के ही लोग डर जाते हैं। सनी पाजी फिल्मों में ही गुंडों पर भारी नहीं पड़ते, बल्कि वे असल जिंदगी में भी गुंडों पर भारी पड़ते हैं। उनके साथ एक बार ऐसे ही घटना हुई थी जब अकेले सनी पाजी गुंडों पर भारी पड़े थे। सनी पाजी के साथ हुई इस घटना का खुलासा सनी पाजी के भाई बॉबी देओल ने किया था। दरअसल बॉबी देओल और सनी पाजी एक बार कपिल शर्मा के शो दी कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे, जहां कपिल ने जब बॉबी से असल लड़ाई के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया उनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, लेकिन सनी पाजी की एक बार असल में गुंडों से लड़ाई हुई थी। उन्होंने बताया कि एक बार सनी पाजी फिल्म बेताब की शूटिंग के लिए जा रहे थे, तब वहां रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ गए और किसी बात को लेकर सनी पाजी की उनसे लड़ाई हो गई थी। तब सनी पाजी ने अकेले ही उन सभी लोगों की जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद वे सभी लोग वहां से भाग गए थे। तो आप सनी पाजी के साथ हुई इस घटना और सनी पाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।